अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर फाइव ईयरस इज थ्री फिफ्थ ऑफ द सम वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे पाँच साल बाद थ्री फिफ्थ ऑफ द सम होता है राइट तो द रेट ऑफ परसेंट पर एनम इज तो रेट परसेंट क्या आएगा थ्री फिफ्थ देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट ही दे रखा है तो हमें अगर सम पता चल जाए तो सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा अगर ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन होती तो ये हमारा अमाउंट होता ये भी एक तरीका है पहचानने का कि ये अमाउंट दे रखा है या सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो हमें सम नहीं पता लेट कर लेते हैं लेट द सम बी एक्स है राइट अब सम एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है थ्री फिफ्थ ऑफ द सम ऑफ सम दैट मींस थ्री अपॉन फाइव एक्स हो गया राइट right? अब टाइम हमें दे रखा है फाइव इेट हमें दे नहीं रखा तो रेट को हम आर परसेंट पर आनम मान लेंगे राइट right? अब हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड तो सिंपल इंटरेस्ट है थ्री अपॉन फाइव एक्स प्रिंसिपल है हमारा x, रेट हमें दे नहीं रखा तो r अपॉन हंड्रेड और टाइम है हमारा फाइव ईयर्स तो देखिए r हमारा वेरिएबल है तो r तो अपनी जगह रहा थ्री एक्स अपॉन फाइव अपनी जगह रहा हंड्रेड इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और x और फाइव डिवाइड में चला गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे x से x कैंसिल हो गया फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन एंड जीरो फाइव वन जो फाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी तो रेट कितना आ गया हमारा फोर थ्री जो ट्वेल्व तो ट्वेल्व परसेंट पर आना आ है तो हिन्स आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट एट एक्स परसेंट पर एनम जो सिंपल इंटरेस्ट है एक्स परसेंट पर एनम के रेट से एक्स ईयर्स के लिए विल बी एक्स रुपीज ऑन अ सम ऑफ तो सम कितना होगा ये बताना है तो देखिए हमें एक्स परसेंट मतलब रेट दे रखा है हमें एक्स परसेंट पर annum एक्स ईयर्स मतलब टाइम दे रखा है एक्स ईयर्स और हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कि कितना आया एक्स ही रुपीज आया तो हमें सम निकालना है तो सम कैसे निकालेंगे सम को हमने पी मान लिया राइट right? तो अब हमें क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा देंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड अब सिंपल इंटरेस्ट हमें एक्स दे रखा है प्रिंसिपल को हमने पी ही माना है रेट हमारा एक्स परसेंट है और टाइम हमारा एक्स है राइट right? तो पी कितना आ जाएगा तो पी अपनी जगह रहा x अपनी जगह रहा और नीचे डिनोमिनेटर में जो हंड्रेड था वो इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और दोनों x डिवाइड में आ गए अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए तो एक x एक से एक एक्स एक एक कैंसिल हो गया तो हमें पता चल गया प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा हंड्रेड अपॉन एक्स तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया दैट इज डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है एट वॉट रेट परसेंट पर एन सिंपल इंटरेस्ट कितने रेट कितने परसेंट रेट पे विल अ सम डबल इन टेन ईयर्स एक सम डबल हो जाएगा दस साल बाद कितने परसेंट रेट पे ये बताना है तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है टाइम दे रखा है दैट इज टेन ईयर्स अब सम पता चल जाए तो हमसे पूछा है दस साल बाद जो सम आज डिपॉजिट किया है वो दस साल बाद डबल हो जाएगा तो सम पता चल जाए तो हमें दस साल बाद वाला जो अमाउंट है वो पता चल जाएगा तो लेट कर लेते हैं लेट द सम बी एक्स एक्स है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा दस साल बाद डबल दैट इज टू एक्स आ गया अब हमें रेट निकालना है तो रेट कितना हो गया आठ परसेंट मान लिया हमने पर एनम राइट तो अब हमारा अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे जो कितना है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट था हमारा टू एक्स प्रिंसिपल था हमारा एक्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया टू एक्स अपनी जगह रहा और एक्स इधर आके माइनस का हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया एक्स अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इन टू आर इन टी अपॉन हंड्रेड अब सिंपल इंटरेस्ट एक्स आया प्रिंसिपल हमने एक्स माना था रेट हमें पता नहीं है और हमारा टाइम कितना दे रखा है टेन इयर्स तो ये कितना आ जाएगा देखिए एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई तो ये आ गया एक्स इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन टेन तो आर कितना आ गया देखिए एक्स अपनी जगह रहा टेन इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और x डिवाइड में आ गया अब x से एक्स कैंसिल हो गया तो रेट हमें पता चल गया कितना आ गया दैट इज टेन परसेंट पर एनम तो आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ना अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं अब पी इक्वल्स टू हंड्रेड इंटू डैश अपॉन आर इंटू टी देखिए अगर आप देखेंगे पी आर और टी ये किसके फॉर्मुले में आता था सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आता था तो फर्स्ट पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था पी इंटू आर इन टी अपॉन हंड्रेड होता था राइट right? अब हमारे को यहाँ पे प्रिंसिपल बचा हुआ है तो यहाँ पे प्रिंसिपल छोड़ के ये सारी चीजें दूसरी साइड ले जाते हैं तो अगर प्रिंसिपल इधर छोड़ देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट अपनी जगह रहेगा हंड्रेड इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा और रेट और टाइम इधर आके डिवाइड के हो जाएंगे क्योंकि उधर P के साथ मल्टीप्लाई में थे तो 100 इंटू क्या है यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट है इसको आप सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट राइट नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है आर इक्वल टू आर किसके इक्वल हो जाएगा तो देखिए अब इसी फॉर्मुले में क्योंकि यहां पे आर इक्वल्स टू हंड्रेड इंटू एस आई अपॉन डैश इंटू टी कह रहा है तो अब यहां से पी आर और टी इसी फॉर्मूले में आता था अब इसी फॉर्मुले से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिए अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आर तो अपनी जगह रहा एस si आई अपनी जगह रहा हंड्रेड इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया और आर के अलावा क्या चीज बची प्रिंसिपल और टाइम तो वो इधर डिवाइड में चले गए ये हमारा है सेकेंड पार्ट राइट तो आप देखिए एस आई इन टू हंड्रेड है अब टाइम भी है लेकिन प्रिंसिपल नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं प्रिंसिपल राइट लेट्स यू थर्ड पार्ट नाउ थर्ड पार्ट में कह रहा है एट डैश परसेंट पर आनम सिंपल इंटरेस्ट असम डबल इट्सल्फ इन टेन ईयर्स कितने परसेंट पर आनम सिंपल इंटरेस्ट पर सम जो है वो डबल हो जाएगा अपने आप का टेन ईयर्स बाद ये बताना है थर्ड पार्ट के लिए कितना परसेंट रेट है तो परसेंट नहीं दे रखा है बस ये कह रहा है कि सम डबल हो जाएगा दस साल बाद तो सम क्या है एक्स मान लेंगे प्रिंसिपल हमने एक्स मान लिया दस साल बाद जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा हमारा अमाउंट वो डबल हो गया है तो प्रिंसिपल का डबल हो गया एक्स था प्रिंसिपल उसका डबल हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ एक्सरसाइज में अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देख लें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है या आप मेरी साइट डब्ल्यू 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 डॉट ई लर्न मैस डॉट इन पर जाए सिंपली क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्ले लिस्ट देख सकते हैं राइट अब टाइम दे रखा है हमें टेन ईयर्स तो हमें रेट निकालना है रेट को मैं आर परसेंट लेके चल रही हूं क्योंकि मुझे आर की वैल्यू निकालनी है अब देखिए अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा लेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट है टू एक्स प्रिंसिपल है हमारा एक्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया टू एक्स अपनी जगह रहा एक्स इधर आके माइनस का हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट एक्स आ गया अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड अब सिंपल इंटरेस्ट है हमारा एक्स प्रिंसिपल हमने x माना रेट हमने r परसेंट माना और टाइम हमारा टेन ईयर्स का दे रखा है तो देखिए एक ज़ीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई तो ये कितना आ जाएगा r? यहाँ साइड में कर रही हूँ x इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन टेन हो गया अब r अपनी जगह रहा एक्स अपनी जगह रहा लेकिन जो टेन था वो इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और एक्स डिवाइड में आ गया तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो हमें रेट पता चल गया टेन परसेंट पर एनम है राइट right? तो हम यहां क्या लिख सकते हैं हैं अब नेक्स्ट पार्ट करते इसी तरीके से अब लास्ट पार्ट में कह रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम सिक्स फिफ्थ ऑफ इट सेल्फ इन टू होल अपॉन्ट टू इस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डैश परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे जो सम है वो सिक्स अपॉन फिफ्थ ऑफ इट हो जाता है तो देखिए सिक्स अपॉन फाइव क्या है हमारा इम प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब भी इमर होती है तो वो अमाउंट को जाता है हमारा कि सम समिफ ऑफ अपने आप का हो जाएगा टू होल वन अपॉइंट टू ईयर्स बाद तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया उस पर यह बताना है तो फोर्थ पार्ट के लिए हमें क्या दे रखा है सम नहीं दे रखा तो हमने प्रिंसिपल को एक्स मान लिया अब जो हमारा ढाई साल बाद मिलेगा वो अमाउंट होता है वो कितना हो जाएगा सिक्स फिफ्थ ऑफ इट सेल्फ इट सेल्फ मीन सम का तो सिक्स अपॉन फाइव एक्स हो गया और टाइम हमें दे रखा है टू होल वन अपॉन टू ईयर्स तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में कर रही हूँ फाइव अपॉन टू ईयर्स हो गया और रेट दे नहीं रखा इसलिए रेट को हम परसेंट पर एनम ले लेंगे अब अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे ट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं पी इंटू आर इन टू टी अपॉन हंड्रेड अब वैल्यूज पुट कर दीजिए अमाउंट है सिक्स अपॉन फाइव एक्स प्रिंसिपल है एक्स प्लस एक्स इंटू रेट हमें आर परसेंट कह रहा है और टाइम है हमारा फाइव अपॉन टू तो ये कितना आ जाएगा देखिए फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन एंड ज़ीरो तो ये आ गया हमारा सिक्स अपॉन फाइव एक्स और ये एक्स इधर आके माइनस का हो गया कौन सा वाला ये वाला और यहाँ क्या बच गया इस इसकी वैल्यूज लिख रही हूँ एक्स आर अपॉन टू इंटू ट्वेंटी इज फोटी अब इसके बाद यहाँ साइड में कर रही हूँ अब देखिए एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख देंगे वन इंटू फाइव इज फाइव अब वन की मल्टीप्लाई सिक्स एक्स में माइनस फाइव की मल्टीप्लाई एक्स में इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन फोर्टी तो ये कितना आ गया सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स हो गया अपॉन फाइव इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन फोर्टी देखिए सिक्स एक्स इंटू वन है सिक्स एक्स फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स अब एक प्लस एक माइनस की वैल्यू है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया तो अब आर की वैल्यू निकाल देंगे देखिए एक्स अपॉन फाइव एज इट इज फोर्टी धरा आके मल्टीप्लाई में हो गया और एक्स डिवाइड में आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फाइव 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 इज अ फोर्टी तो हमारा रेट कितना आ गया दैट इज एट परसेंट पर एनम तो हम यहाँ लिख देंगे एट परसेंट पर एनम इज द आंसर लेट्स यू लास्ट क्वेश्चन नाउ